हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक ब्यूटी रिलेटेड, पार्लर रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। तो उसमें देखिए, आज हम रिसेप्शन का जो मेकअप है वो देखेंगे, और कैसे करना है रिसेप्शन का मेकअप वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। और जो कोई चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो अभी देखो, पहले मैंने क्या किया है, जो वाइप्स होते हैं क्लीन करने के, वाइप्स होते हैं टिश्यूज़, उससे मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया। अच्छे से क्लीन करना है, जो कि डस्ट वगैरह होता है वो प्रॉपर निकल जाए। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया था, स्प्रे किया था, और टोनर 5 मिनट के सूखने के बाद ये जो है मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैंने PSC का, जो एक्वा ब्लास्ट का होता है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप ज़रूर उसको अच्छा है ये वाला जो मॉइस्चराइजर है। तीनों सीजन में आपको अच्छे से होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक प्रोसेस के बाद 5-5 मिनट्स का गैप्स रखना है। उसके बाद मैंने ये देखो, इस यहाँ पे प्राइमर अप्लाई किया है, जो कि मेकअप की फर्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो प्राइमर मैंने यहाँ पे यूरोप गर्ल का जो है वो अप्लाई किया है। यूरोप गर्ल का प्राइमर बेस्ड है। अगर आपको एक और कोई एक आधा और ब्रांड चाहिएगा, तो मैंने जस्ट गोल्ड भी यूज़ किया है। जस्ट गोल्ड का प्राइमर भी बहुत बढ़िया है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इवनली स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे यूरोप गर्ल की जो पैलेट है, कंसीलर पैलेट, वो ली है। और उसके बाद मैंने जो आपको देखना है क्लाइंट के जो फेस है उसके ऊपर, आपको अगर दाग वगैरह जो दिखता है तो वो आपको क्या करना है, हाइड करने के लिए जो कंसीलर है वो हम अप्लाई करते हैं। तो मैं एक शेड ले रही हूँ जो स्किन टोन से हल्का डाउन होता है, वो शेड मैंने लिया और उसको अप्लाई किया। उसके बाद मैंने देखो, मैं हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर की हेल्प से। तो ये वाला जो ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीलेशियस का है, वो बहुत अच्छा ब्लेंडर है। और आपको एक अदा जो ऑप्शन अगर चाहिए होगा, तो PSC का एक जो ब्लेंडर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। दोनों ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं, आप कौन सा भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने देखो फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो फाउंडेशन में थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है, जो एक डार्कर शेड आता है वो थोड़ा सा लेके स्किन टोन से मैच करते हुए आपको लेना है। अगर आपको टोन समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा हथेली पे लेके फिर आप उसको मिलाते हुए उसको टोन एडजस्ट कर सकते हो फाउंडेशन का। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर जैसे फाउंडेशन वगैरह कैसे लेते हैं, कैसे चॉइस चूज़ करते हैं, उसके बारे में वीडियो मैं आपको बना दूंगी। इसके बाद देखो, ब्लेंडर से हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ इधर, तो आप देख सकते हो। तो मेकअप में जैसे हम बेस लगाते हैं फाउंडेशन का, कंसीलर का, तो वो इसी टेक्निक से आपको ब्लेंड करना चाहिए, ना कि आपको ऐसे पोंछना नहीं चाहिए उसको, ताकि क्या होता है लाइंस क्रिएट हो जाती है, पैची हो जाता है मेकअप, और फिर क्लाइंट भी आपको कंप्लेंट करने लगता है कि अच्छा नहीं हुआ मेकअप। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने में प्रॉपर टाइम देना है। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्स करने के लिए। अदरवाइज़ आप ट्रांसलूसेंट जो पाउडर आता है, बनाना पाउडर वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन ये यूरोप गर्ल का जो शेड है वो मेरा फेवरेट शेड है, हर एक स्किन पर ये अच्छे से जाता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मेरा फेवरेट जो पार्ट है आई मेकअप का, वो मैं कर रही हूँ अभी। देखिए, तो आई मेकअप के लिए मैंने डिलांसी की जो पैलेट है वो ली है। डिलांसी की पैलेट इसलिए लेती हूँ मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी फैमिलियर शेड मिल जाते हैं, ग्लिटर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। आपके पास जो आई शेडो पैलेट है वो उससे आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छे से सही टेक्निक चाहिए। तो देखो, मैंने फेंट वाला जो लाइट पिंक जो शेड होता है वो उठाया, और क्रीज लाइन पे मैंने जो ब्रश होता है तो ब्रश से मैंने वो अप्लाई किया है अच्छे से। उसके बाद डार्क पिंक शेड लिया है, और प्रॉपर पूरा जो जो आय है, आय का एरिया है, वहाँ पे मैंने उसको अप्लाई किया है, और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको है ना, अच्छे से आई मेकअप भी ब्लेंड करना चाहिए ब्रश की हेल्प से। अच्छे से जितना आप आई मेकअप ब्लेंड करते हो, तो उतना आपको जो आई मेकअप की जो लाइंस होती है वो लाइंस नहीं दिखती, और प्रॉपर
प्रॉपर अट्रैक्टिव आइज दिखती है। इसके बाद मैंने जो शिमर है पिंकिश कलर का वो पेंसिल ब्रश से मैं ले रही हूँ, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ही प्रोडक्ट में ले रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो देखिए ये भी मैंने इनर कॉर्नर जो होता है आई का वहाँ से लेते हुए हाफ तक लाइन्स की तरह मैंने जो शिमर है वो अप्लाई किया है, ताकि ये जो जब भी आप आई मेकअप करते हो तो आपको देख लेना चाहिए कि आपको आप लुक कौन सा बना रहे हो क्लाइंट का, उसके बाद आपको मतलब कॉस्ट्यूम कौन से है, पार्टी वेयर है, शादी का मतलब जो मेकअप है वो है, उस तरीके से आपको आई मेकअप हेयर स्टाइल वगैरह जो होता है वो करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी देखो बड़ा वाला जो ब्रश है वो लेके मैं ये जो आई मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो लाइंस है वो लाइंस क्रिएट ना हो और जो कलर्स है वो एक दूसरे में मतलब शेडो की तरह मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो अभी मैंने जो गोल्डन कलर का जो शिमर है इसका जो शिमर जो है एकदम पतले वाले शिमर है, तो ज़्यादा मतलब ये उठकर नहीं दिखते, बहुत अच्छे से अच्छा मतलब लुक इसका नेचुरल आ जाता है। तो जो आईब्रो वाली नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा हाइलाइटर की तरह ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो आईज है वो अच्छे से हुडेड और हाईलाइट नज़र आए। इसके बाद मैं मतलब यूरोप गर्ल का जो आईलाइनर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यूरोप गर्ल का आईलाइनर बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा है इसका मतलब जो ब्रश निकलता है वो बहुत अच्छा है, तो इससे प्रॉपर निकल जाता है अच्छे से लाइनर। तो अभी आपको अगर और एक ऑप्शन चाहिए होगा इकोनॉमिक रेंज में, तो आप स्विस ब्यूटी का लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे साइडर वगैरह जो मेकअप होते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा कॉस्टली सामान जैसे यूज़ नहीं करना होता है और अच्छा सामान यूज़ करना होता है, तो उस टाइम आप स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आईलाइनर अच्छे तरीके से लगा लिया है, विंग्स अच्छे से निकाल ली और जो इनर कॉर्नर है इस तरीके से आपको यहाँ पे भी लगा लेना है, ताकि जो नेचुरल लुक है वो नज़र आए और कहीं पे मतलब वो मतलब जैसे टूटा हुआ न लगे लाइंस, इसीलिए। उसके बाद मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, तो आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं हमेशा PSC का जो आईब्रो पैलेट है वो मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी नेचुरल शेड होते हैं इसमें। देखो मैं 2 नंबर और 3 नंबर का जो शेड है वो हल्का हल्का दोनों मिक्स करके फिर आईब्रो फिल कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से जो नेचुरल आईब्रो है वो लगने लगती है, आप देखिएगा। अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मेकअप सीखना होगा तो आप उसको मतलब बारीकियाँ जो होती है मेकअप की आप वो जान लीजिए पहले, बस कलर ले लिया उठा लिया और लगा लिया ऐसा नहीं होता है, बहुत बारीकियाँ होता है, नेचुरल लुक भी लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो आईब्रो है वो अच्छे से फिल करनी, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से आईब्रो मैंने फिल की है, नेचुरल लुक लग रहा है, और जो पीछे वाला जो ब्रश होता है ब्रश की हेल्प से आपको अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। तो दोनों साइड के आईब्रो आपको अच्छे से फिल कर लेनी है, आप देख सकते हो काफ़ी नेचुरल आईब्रो मैंने फिल की। आप अगर बारीकी से देखोगे तो आप भी ये जो टेक्निक होती है वो सीख जाओगे, तो बस यही है। आई थिंक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं स्किप कर दूंगी, वीडियो कट कर दूंगी, तो फिर आपको जो बारीक बारीक जो ट्रिक्स होती है मेकअप की वो ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो वीडियो है वो लेंदी ही रखा है इस टाइम, तो इसके लिए सॉरी, तो आप बने रहिएगा। इसके बाद जो आता है वो हाइलाइटर की बारी होती है, तो हाइलाइटर देखो मैंने यहाँ पे जो फैन ब्रश होता है वो लिया है हाइलाइटर के लिए। कोई मैं ब्रश क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोई जो बिगिनर्स होते हैं उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हाइलाइटर किस ब्रश से यूज़ करें, इसलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने फ़ैन ब्रश लिया है और ये जो हाइलाइटर है वो मैं यूरोप गर्ल का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको जो स्माइल करने के लिए बोलना है क्लाइंट को, और जो लाइन्स होती है चीक्स के ऊपर की वहाँ पे फोरहेड पे नोज़ लाइंस पे चिन के नीचे वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो आता है लिपस्टिक की बारी, तो लिपस्टिक आपको कैसे लगाना है, तो लिपस्टिक का भी यही होता है जैसे कॉस्ट्यूम से मैच करता मिलता हुआ टोन हमें लेना चाहिए कलर का। तो देखिए ये वाला जो बारीक ब्रश निकलता है वो लिपस्टिक का होता है, तो आप यहाँ इस तरीके से आप अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिक्सिंग किया था थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके, जो मतलब हल्का सा मुझे उसमें ना पूरा रेडनेस भी नहीं चाहिए था और थोड़ा सा न्यूड शेड भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने मिक्सिंग की है लिपस्टिक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बारीकी से जो लिपस्टिक है वो मतलब आपको लगाना है। तो
आप देख सकते हो बहुत बारीकी से मैंने जो लाइन्स है आपको जो लिप होती है लिप्स के ऊपर की जो लाइन्स है लिपस्टिक लगाते टाइम आपको वो भी मतलब दिखनी नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे से मैंने जो लिपस्टिक है वो लगाए। इसके बाद हम पार्टी वेयर हेयर स्टाइल करें, रिसेप्शन का मेकअप है तो पार्टी वेयर हेयर स्टाइल बनती है। तो अभी देखो हेयर स्टाइल का भी वीडियो है, तो देखिए क्राउन सेक्शन हमें पहले हेयर स्टाइल करते टाइम आपको पहले देखना है कि आपको सेंटर पार्टिंग करना है, उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना होता है। ये बेसिकली हर वीडियो में आपको बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने क्राउन सेक्शन लिया है, यहाँ से हमें क्या करना है, क्राउन सेक्शन लेके पफ निकालना है, हल्का सा जो पफ होता है मतलब वो लिया, उसको मैंने पोनी बना ली। तो इनकी जो डिमांड थी कर्लिंग हेयर स्टाइल इनको चाहिए था, तो उस डिमांड से मैंने और इनका जो था एक्सटेंशन लगाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि काफ़ी लेंथ तो नहीं है लेकिन जो वॉल्यूम है हेयर्स का वो बहुत है, तो एक्सटेंशन हम नहीं भी लगाए तो चल जाएगा, इसलिए मैंने एक्सटेंशन लगाया नहीं, मेरे पास एक्सटेंशन था। आपको अगर एक्सटेंशन लगाने की जो टेक्निक है वो भी देखनी होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप इसके ऊपर भी आपको अच्छे तरीके से वीडियो बना दूँगी। तो देखिए मैंने फर्स्ट सेक्शन जो क्राउन निकाला वहाँ पर आपको क्या करना है, एक रबर बैंड से आपको पैक करना है ताकि जो वॉल्यूम है कर्लिंग के टाइम वो आ जाए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद कान के नीचे का जो एरिया होता है नैप एरिया, वहाँ से मैंने मतलब हॉरिजेंटल जो सेक्शन है वो निकाला, वहाँ पे भी रबर बैंड से पोनी निकाल लिए और नीचे का जो सेक्शन है वो मतलब उस तरीके से मैंने छोड़ दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो टू रबर बैंड निकाल के इनको मतलब यहीं पर ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमें जो फ्रंट वेरिएशन है वो पहले कर लेना है और उसके बाद जो कर्लिंग है हेयर्स में वो हमें बनाना है। तो देखिए अभी देखो ये जो सेंटर पार्टिंग है वहाँ से मतलब जो इनका जो है फेस है, फेस के अकॉर्डिंग मैंने इनका थोड़ा सा साइड में जो सेक्शन है वो निकाला और जो पूरे जो हेयर्स है जो निकाले हुए वो मैंने अच्छे से हाथ में ले और इसको ट्विस्ट करते हुए पीछे की साइड में जो पिन आती है बॉब पिन की हेल्प से मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से आप हेयर स्टाइल देखे, ताकि मेकअप तो काफ़ी लोग कर लेते हैं लेकिन हेयर स्टाइल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम दिक्कत आ जाती है क्लाइंट को, बिगिनर्स को, तो इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी होती है और आप मानोगे तो ये आपको हर जगह काम भी आ सकती है, पार्टी वगैरह जो हेयर स्टाइल एंगेजमेंट लुक होता है, रिसेप्शन जो लुक होता है उसमें भी आपको अच्छे से इसको काम आ सकता है, पार्टी वेयर जो हेयर स्टाइल होती है उसमें भी आपको अच्छे से जो हेयर स्टाइल है वो काम आएगी। तो देखो मैंने फिर से ये जो सेक्शन बचा था इसमें दो सेक्शन निकाला और जो पीछे का जो सेक्शन है उसमें ट्विस्ट करके देख सकते हो आप, थोड़ा सा पुलिंग जो है टू फिंगर से मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स निकालने की जो कोशिश है वो की है। ये जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पुलिंग वाला जो टेक्निक है। तो यहाँ पे देखिए स्प्रे लगा रही हूँ मैं, टाप्ट कंपनी का जो स्प्रे है वो लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है, इससे अच्छे से जो पुलिंग वगैरह जो लाइंस क्रिएट करना है हमें वो अच्छे से होल्ड करता है ये वाला जो स्प्रे होता है। तो ये देखिए अभी देखिए मैंने ये जो लाइंस है वो मैंने क्रिएट कर दी, तो काफ़ी अच्छा मतलब वॉल्यूम भी आ जाता है और थोड़ा सा यूनिक हेयर स्टाइल भी इसमें लगता है। पुलिंग हेयर स्टाइल में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइंस है वो क्लियरली मतलब अच्छे से दिखनी चाहिए, लाइंस में क्लियरनेस चाहिए। तो अभी देखिए ये वाला जो ये है मैंने लाइंस क्लियर बनाने की जो कोशिश है वो की है, तो अभी इसको आपको अच्छे से पीछे की साइड में बॉब पिन से फिक्स कर लेना है। तो यही होता है, देखो आप देख सकते हो कितना अच्छा हेयर स्टाइल ये वाला है वो बन जाएगा। इसके बाद जो आगे वाला सेक्शन है वो आपको अच्छे से कंघी कर लेना है। जब भी आप हेयर स्टाइल करते हो तो आपको क्लियरली अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंघी करना है, ये वाला जो बेसिक है मतलब हर कोई मतलब ये वाली जो बेसिक चीज़ें होता है वो नहीं बताता, तो मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि आप अच्छे से फिनिशिंग से जितनी कंघी करोगे हेयर्स में उतनी आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से क्लियरली मतलब क्लियर आएगी, फिनिशिंग के साथ आएगी। तो आप देख सकते हो इसको मैंने देखो अभी उसी तरह से जैसे पीछे वाला जो सेक्शन मैंने ट्विस्ट किया था उस तरीके से आगे वाला जो सेक्शन है वो भी मैंने ट्विस्ट किया है, इसमें भी लाइंस बनाने की बना रही हूँ मैं।
तो अभी देखिए उस तरीके से आपको अच्छे से जो जो लाइंस आपको लगता है कि ये निकल सकती है, इसका बहुत इजी मेथड होता है, इतना इसमें डरने वाली बात नहीं होती। जो भी लाइन थोड़ी सी ऊपर होती है हेयर्स में, वो आपको हल्की हल्की खींचनी, काफ़ी हद तक जो स्ट्रिप्स है वो बन जाती है, फ्लिक्स निकल आते हैं, तो इसको भी आपको स्प्रे कर लेना है अच्छे से, और जो स्प्रेडिंग टेक्निक है वहाँ से मतलब उसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। तो यही है तरीका, और इसको भी आपको अच्छे से बॉब पिन की हेल्प से आपको पीछे की साइड में अच्छे से होल्ड करना है। तो पिन्स भी लगाने का तरीका होता है, पिन भी आपको ऐसे लगाना है कि जो क्लाइंट को भी चुभना नहीं चाहिए और जो हेयर स्टाइल है वो आपका वो खुलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो आगे की, और अभी पीछे देखिए, पीछे हमें क्या करना है, कर्ल बनाना है। तो कर्ल बनाने का वीडियो मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड किया है, कर्ल्स किस तरह से बना सकते हैं, तो आप वो वाला जो वीडियो है वो आप डिटेल में देख सकते हो। तो उस तरीके से आपको जो कर्लिंग है वो बनानी है, तो आप देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, ट्विस्ट की हेल्प से जो हल्के हल्के छोटे छोटे सेक्शन होते हैं उसको आपको कंघी करना है अच्छे से, कर्लिंग मशीन हीट करके वहाँ पे आपको हेयर्स का जहाँ से आपको कर्लिंग चाहिए वहाँ से स्टार्टिंग करके ट्विस्ट बनाना है इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ, और मशीन थोड़ा थोड़ा जो घुमाते हुए आपको हल्के में उसको अच्छे से छोड़ देना है। बहुत अच्छी तरीके से जो कर्लिंग है वो यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप एका देखो जो हेल्प है वो करने के लिए जो सेक्शन आपको छोटे छोटे सेक्शन निकाल दे और आप जो कर्लिंग है वो आप मतलब कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक एक जो सेक्शन है वहाँ पे अच्छे से कर्लिंग बना रही हूँ नीट एंड क्लीन तरीके से। इसमें जल्दबाजी आपको करना नहीं है, एक एक सेक्शन अच्छे से अगर आप करते हो तो प्रॉपर कर्लिंग आपको नज़र आएगा। तो आप देख सकते हो पूरे जो हेयर्स है वहाँ पे मैंने अच्छे से देखो कर्ल कर लिया है। तो इनके जो हेयर्स थे बिल्कुल भी उसमें मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं थी और ये एक्सटेंशन की डिमांड कर रही थी, फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया नहीं है, प्रॉपर अच्छे से जो रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट किया है। और देखिए मेरे पास जो ऐसे वाले जो तूरे थे मोती वाले, तो ये मैंने थोड़े लगा दिए तो अच्छे लगने लगते हैं हेयर स्टाइल। तो ज़्यादा भी मतलब हेवी आपको अच्छे मतलब वो नहीं करना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेकअप हेयर स्टाइल जो होती है वो करना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब जो हेयर स्टाइल भी है वो बना है, पार्टी वेयर जो हेयर स्टाइल है वो आप देख सकते हो, आपको पसंद आया होगा ये वाला। तो इसके बाद मैंने जो नोवा का जो फिनिशिंग वाला जो हेयर स्प्रे है वो मैंने यूज़ किया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे क्योंकि नाइट का फंक्शन था इसका, तो 6 बजे ये वाले जो ब्राइड थी वो आ गई थी, तो इसलिए मैंने सेट कर दिए हेयर्स। और पूरा जो होल जो लुक है रिसेप्शन ब्राइड का आप देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला जो लुक है ब्राइड का वो पसंद आया होगा। ये वाला लुक आप एंगेजमेंट जो ब्राइड होती है उसको भी दे सकते हो, रिसेप्शन ब्राइड को भी दे सकते हो, अगर एक हाथ जो क्लाइंट होता है उसको पार्टी वेयर लुक मतलब चाहिए होता है तो आपको समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम आप ये वाला जो लुक है वो दे सकते हो। तो गाइज बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।